चैप्टर सिक्स लीनियर इन इक्वालिटीज़। इस चैप्टर में समझेंगे सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ समझेंगे क्या क्या होता है, इसमें कैसे कैसे साइन हो लगेंगे। तो इसमें पहले सब देखते हैं लीनियर इन इक्वालिटीज़ में। लीनियर इन इक्वालिटीज़ मीन्स इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी इसमें अरे ऐसे दिए रहते हैं 2x + 5 इज ग्रेटर देन 10, और ये इन इक्वालिटीज़ में साइन इज इक्वल टू के नहीं लगते हैं। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू ऐसे साइन लगते हैं। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे इक्वेशन आते हैं, इस तरह के इक्वेशन रहेंगे। तो ये स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है। और एक और होता है स्लैक इन इक्वालिटी में दूसरी तरह होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू ऐसे साइन आते हैं। यहाँ पर खाली चेंज हो जाता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऐसे। कैसे होते हैं, जैसे 4x + 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 ऐसे ऐसे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और जैसे कि 5x + 3 इज लेस देन 5 ऐसे ऐसे, 15 कह सकते हैं कुछ भी। और एक और इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि 2x + 3 इज ग्रेटर देन 5 ऐसे, ठीक है। तो चलिए, और कुछ रूल्स हैं वो पहले देख लें, रूल्स के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि जो हमारी इनइक्वालिटी दी है उसके चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में कहीं पर भी चाहे हम माइनस करें सेम डिजिट से राइट और लेफ्ट दोनों बोथ साइड यानी दोनों तरफ से, चाहे ऐड करें दोनों साइड बोथ साइड यानी कि चाहे राइट चाहे लेफ्ट में, तो जो हमारा ग्रेटर यानी जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने करा बोथ साइड 2 से प्लस कर दिया, 4 + 2 इज ग्रेटर देन 2 + 2, तब भी यहाँ क्या कहते हैं जो अरे प्लस में आया तब भी अरे साइन चेंज नहीं हुआ। ये रूल नंबर 1 का है। और दूसरा, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करा -2 से, -2 इधर भी माइनस कर दिया इधर भी माइनस कर दिया तब भी हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। ये रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल है वी कैन, एक और चीज़ इसमें देख ले, इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वो प्लस है तो हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर इसको ला सकते हैं, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2 + 1 है ऐसे दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 4 - 1 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2 ऐसे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और रूल नंबर 2 में है वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी कर सकते हैं। यानी कि जो इक्वालिटी दे रहा है उसके बोथ साइड चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो जो हमारा जो इनइक्वालिटी साइन रहेगा वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल जैसे कि 8 is greater than 6, जैसे ये 8 is greater than 6 है, तो अगर हम इसे 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा साइन चेंज नहीं है। 2 is 16, 2 is 12, तब भी अरे क्या कहते हैं हमारा ये जो साइन है चेंज नहीं है, 16 is greater than 12 वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगी। अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी साइन चेंज नहीं होती है, जैसे कि 2 से डिवाइड कर दिए 8/2 is greater than 6/2, 8/2 is less than 6/2, जैसे कि 4 is greater than 3 है तब भी साइन चेंज नहीं हुई, जिधर की साइन है उधर ही रही, ठीक है। और जैसे चेंज प्लेस वाला होता है, इसमें एक चीज़ और होता है चेंज प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि 8 is greater than 6/2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं 2 को ऊपर ले आते हैं, जैसे 2 को ऊपर लिया है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तब भी क्या कहते हैं ये साइन चेंज नहीं होगी। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा 16 is greater than 6 है, ठीक है।
और इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे सिक्स को नीचे ले आते हैं, जैसे सिक्स है हम इसको अगर नीचे ले आएँ तो यहाँ पर क्या है वन है तो वन ही बचेगा, तो सिक्स बाई एट बाई सिक्स इज ग्रेटर देन वन बाई टू, तब भी साइन चेंज नहीं होगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है ना, समझे। उसके बाद एक और थर्ड रूल है वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन। इसमें जो होता है ना साइन चेंज हो जाती है, जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नेगेटिव नंबर से तो साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि 8 इज ग्रेटर देन 6 है, इसको माइनस नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर माइनस 16 आया, और यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस 12 आया जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें 2 को नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पर माइनस 16 जो होता है वो छोटा नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया है 1 2, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर जैसे कि सक्सेस की यह लाइन है तो यहाँ 0.0 है, यहाँ 1 1 1 2 3 ऐसे ये पॉजिटिव नंबर हैं तो ये बड़े बढ़ते जाते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में होता है ये अरे क्या कहते हैं छोटे नंबर होते हैं, जितने इधर जाएंगे उतने ज़्यादा छोटे नंबर, जैसे कि 16 माइनस 16 यहाँ पर है तो यहाँ पर जो माइनस 16 है ये छोटा है माइनस 12 से, जो माइनस 12 है ये 16 से बड़ा है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे माइनस 2 से तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं जैसे कि डिवाइड करा तो माइनस 4 आया, और इसको डिवाइड करने में माइनस 3 आया, तो माइनस 4 जो होता है वो क्या कहते हैं छोटा होता है माइनस 3 से, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी। और रूल 4 क्या है, रिमूविंग नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड, जैसे कि बोथ साइड जैसे नेगेटिव साइन है माइनस माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो अगर हम जिस इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साइन चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। और रूल नंबर 5 जो है वो ऐड माइनस साइन ऑन बोथ साइड इनइक्वालिटी चेंज, साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग माइनस ऐड कर दें बोथ साइड तो साइन जो होता है जो इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एक और है रेसिप्रोकल वाला रूल 6 है, तो ये रेसिप्रोकल जैसे कि इसको 1/8 कर देंगे बोथ साइड दोनों रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या कहते हैं ये जो साइन होती है इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाएगी ये, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व 24x इज ग्रेटर देन 100 है, जो 24x है वो छोटा है लेस देन 100 से, तो और यहाँ पर कह रहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं x जो है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे आगे आगे, तो ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। और हमें ये दिया है 24x इज लेस देन 100, तो यहाँ पर x हमको पता नहीं है क्या है, तो x हम लोग निकाल लेंगे, बताया था इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे 100 के, तो x इज लेस देन 100 अपॉन 24, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 से कट जाएगा 2 50, और यहाँ पर 2 6 12 225 20, यहाँ पर 20 यानी कि x जो आया है हमारा 25/6 है ये, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे 4.1 आएगा शायद कुछ 6 6 4 24 1 point 0 बढ़ जाएगा 6 1 6, बस एक तो डिजिट रहती है बस खाली वहीं तक रह जाएंगे ज़्यादा आगे नहीं, तो यहाँ 4 ऐसे, तो यानी कि x हमारा आया है 4.1, यानी कि जो
एक्स है वो 4.1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निकल आएंगे एक्स इक्वल टू, इसको सेट में रखते हैं, तो 4 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये देखिए। 4 से छोटे नंबर यानी कि 4.1 है, तो 4 से छोटे नंबर 1, 2, 3, 4 यही होंगे, 1, 2, 3, 4 यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से ऊपर देख लिए, जैसे कि यहाँ पर ये हमें दिया था सॉल्व करने के लिए 24 है, एक्स इज़ लेस देन 100 है, तो यहाँ पर कहा था एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे आगे रहते हैं, और यहाँ पर हमको बताया नहीं था कि एक्स क्या है, एक्स कितना है ये सब बताया नहीं था, खाली नेचुरल नंबर बताया था कि ये नेचुरल नंबर है, तो एक्स हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पर जो एक्स हमारा आया है एक्स इज़ लेस देन 4.1 आया, तो यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर बता दिए 1, 2, 3, 4, एक्स जो है 4, एक्स जो है छोटा है इससे, तो छोटे है तो बता देंगे इतने हैं 1, 2, 3, 4, ये है जो हमारा ये एक्स है इज़ लेस देन 4.1 है, तो जो एक्स है वो लेस देन यानी छोटा है, तो छोटे में क्या आता है 1, 2, 3, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में दूसरा कहा है एक्स इज़ एन एक इंटीजर, यानी कि जो एक्स है वो इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होते हैं, यानी जो जेड है इंटीजर वो ऐसे होते हैं जैसे कि 0 इधर क्या कहते हैं 1 पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे ऐसे, और यहाँ पर जो इधर इस साइड होते हैं लेफ्ट साइड वो निगेटिव नंबर होते हैं यानी इंटीजर, ये दोनों होते हैं, ये कह रहा है जैसे -2 डॉट 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 ऐसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये एक्स कहा है कि जो एक्स है वो इंटीजर है एक, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्स है जो यहाँ पर इंटीजर दिया है, तो यहाँ पर ऐसे पूरा लिख देंगे सेम 0, 1, 2, 3 डॉट 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 यहाँ को मैं लगा के डॉट डॉट है, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे सेट की तरह, यहाँ -2 यहाँ -1 और यहाँ -2 यहाँ -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर ये सेकंड। ठीक है, पॉज करके सब नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व -12x इज़ ग्रेटर देन 30, यहाँ पर ये दिया है कि जो 12x है वो इज़ ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है पहला जो है वो कह रहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे रहते हैं, ये सब नेचुरल नंबर रहते हैं, तो यहाँ पर हमें x पता नहीं है तो x निकाल लेंगे, तो -12x इज़ ग्रेटर देन 30, तो x इज़ ग्रेटर देन 30 अपॉन -12, और यहाँ पर एक चीज़ हम तो गलती करती हैं जब यहाँ पर आ रहे माइनस, माइनस का जो साइन जो होता है वो अगर हम डिवाइड में नीचे लेके गए तो साइन चेंज हो जाती है, और जो साइन चेंज हो जाएगी तो हम लोग इधर का ये जो इनइक्वालिटी है इधर की नहीं रहेगी, यानी ये चेंज हो जाएगी तो इधर के लगेगी, गंदा हो गया इधर लिख देते हैं, यानी कि जो एक्स इज़ लेस देन 30 अपॉन -12, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 6 12, 2 15 30, और अब कटेगा 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 5 15, यानी कि जो एक्स इज़ लेस देन 5 अपॉन -2 ये आया। ठीक है, इसको और सॉल्व करने में तो यहाँ पर आएगा एक्स इज़ लेस देन -2.5, ये आएगा एक्स, ये एक्स तो हमारा यहाँ निकल आया, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है एक्स इज जो है वो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर ये तो नेगेटिव में है, यानी कि ये नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यही लिख रहे लिख देंगे, और जो सेकंड पार्ट यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला है एक्स इज़ एन इंटीजर, जो एक्स है वो इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर अभी हमने बताया जेड इज़ इक्वल टू यहाँ इस तरफ निगेटिव नंबर होते हैं जैसे -1, -2
डॉट 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 ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 ऐसे, ये सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसमें तो नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि जो यहाँ पर x है ये लेस देन है 2.5 से, तो 2.5 से लेस देन कौन सा होता है, यानी कि जो जैसे हम देखते हैं जैसे कि हमारा x एक्सिस है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, तो यहाँ पर x जो निकल आया वो लेस देन है 2.5 से, यानी कि जो निगेटिव है 2.5 से, तो यहाँ पर हम -3 से लेके चलेंगे -3, यानी कि इधर लेफ़्ट वाले पूरे नंबर जो इंटीजर है इसमें पूरा बोला है ना, तो पूरे नंबर यानी कि -3, -4, -5 डॉट 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 ऐसे, ये हमारा आ गया सेकेंड वाला का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि -3, -4, -5 डॉट 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 ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नोट कर लीजिए पॉज करके। अब थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व 5x-3 is less than 7, ये दिया है हमारा इक्वेशन, और यहाँ पर हमें फर्स्ट में पूछ रहा है x इज एन इंटीजर, यानी कि जो x है वो इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होते हैं, यानी सेट इज इक्वल टू जैसे कि 0, -1, -2 डॉट 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 ऐसे, यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे, ठीक है, ये सब इंटीजर होते हैं, तो यहाँ पर x यहाँ है, यहाँ पर इंटीजर है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर ये दिया है 5x-3 is less than 7 है, तो यहाँ पर हम 3 को इधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, x को इधर एक तरफ, और क्या कहते हैं जो ये है नंबर, इसको एक तरफ माइनस वाला इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 5x is less than 7-3, जब यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर लेके जाए साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x is less than 10, और यहाँ पर जो x है 2 में, यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x is less than 10/5, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5 = 10, यानी कि x is less than 2, जो यहाँ पर x है ये लेस देन 2 से है, तो यहाँ पर 2 से, यानी कि यहाँ पर ये नंबर इससे छोटे नंबर हैं, ये सब जो ये नंबर हैं ये सब छोटे नंबर हैं इससे, तो लिखेंगे क्या आएगा, जैसे कि 0, 1 और 2 से छोटे नंबर हैं ना, तो 2 को लेंगे नहीं यहाँ पर, सीधे हम लोग 1 को लेंगे, ठीक है, 2 को नहीं लेंगे यहाँ पर, ये कह रहा है 2 से छोटे नंबर हैं तो 2 को हम नहीं लेते हैं, छोटे हैं तो 2 से छोटा क्या आता है, 1 आता है, तो 1, 0, -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसे, ये आ गया हमारा पहले वाला फर्स्ट का आंसर। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट, और सेकंड वाला क्या कह रहा है, x इज ए रियल नंबर, सेकंड वाला जो हमारा कह रहा है कि ये जो है x वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, वो कह रहा है x इज ए रियल नंबर, जो x है जो रियल नंबर होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमें कह रहा है x इज ए रियल नंबर, तो x हमारा रियल नंबर यानी 2, 3, 4 ये सब रियल नंबर ये होते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये ब्रैकेट हो, जैसे कि ये वाला ब्रैकेट होता है ये तो जानते हैं, 10th में पढ़े थे, इसको कहते हैं इंक्लूड, और ये वाला जो ब्रैकेट लगता है इसको कहते हैं एक्सक्लूड। ठीक है, यानी कि ये जो इस तरफ जो इस ब्रैकेट की तरफ जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम लोग ले कर चलते हैं, यानी कि ये जो एक्सक्लूड है, अगर यहाँ पर x यहाँ पर दिया रहता इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग 2 ही इसको ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर छोटा है इसको लेके नहीं चलना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं इंक्लूड का ब्रैकेट लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 एक्सक्लूड ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इससे छोटे नंबर यानी कि जो यहाँ पर कह रहा है x इज लेस देन 2 है, यानी कि जैसे यहाँ पर कहा है कि
यहाँ पर इंटीजर कहा है एक्स जो है छोटा है टू से, तो यहाँ पर टू से छोटे कितने कौन कौन से नंबर होंगे, टू से छोटे नंबर जैसे यहाँ पर टू वन ज़ीरो माइनस वन माइनस टू ये सब, ऐसे ये सब नंबर होंगे, तो इस यहाँ पर इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सक्लूड का ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, समझे, पॉज करके नोट कर लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो पार्ट वो दिया है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं, z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ -1, -2, -3 डॉट 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 ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर x हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं, x + 8 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर 8 को हम उधर ले जाएंगे, 8 को उधर जब ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, जब इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर जब साइन चेंज होगी तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में -6 और यहाँ 3x और x इज ग्रेटर देन -6/3 सॉल्व करने पे आएगा 3 × 2 = 6, यानी कि यहाँ पर आएगा x इज ग्रेटर देन -2, यानी जो x है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा जैसे कि यहाँ पर -2 है इससे बड़े हैं, तो बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं, इससे बड़े नंबर होते हैं -1, यहाँ से -1, -1 और 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये सब नंबर होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे जैसे -2 है तो उसको लेके नहीं चलना है, -1 को लेके चलना है, 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। और सेकंड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर सेकंड वाला कह रहा है एक्स इज़ ए रियल नंबर, जो एक्स है वो रियल नंबर है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या निकला था, 2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 और इसको एक्सक्लूड लगेगा इंक्लूड, इसको पहले ऐसे लिखते हैं एक्स ये -2 और इसको एक्सक्लूड वाला ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा और इन्फिनिटी प्लस में इस इन्फिनिटी लगेगा, और इन्फिनिटी जहाँ होती है वहाँ पर एक्सक्लूड का ब्रैकेट लगता है, ठीक है, देख लिए, दिख रहा है। तो यहाँ पर -2 और इन्फिनिटी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि -2, और ये इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिए।